अच्छा समय आने से पहले तुलसी का पौधा देता है ये 7 संकेत। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद ही पवित्र माना गया है। कहा जाता है माँ लक्ष्मी के स्वरूप में पूजा जाने वाला तुलसी का पौधा जिस घर में लगा होता है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो वहीं वास्तुशास्त्र में भी इसे मान्यता प्राप्त है। उसमें बताया गया है इसे घर में रखने से वहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह के लाभ होते हैं। मान्यता है कि जो लोग तुलसी माता की नियमित रूप से पूजा करते हैं और जल अर्पित करते हैं उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त होती है और नाम रुपया पैसा शोहरत सब कुछ हासिल होता है। उसके घर में हमेशा देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो वहीं शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा भविष्य में होने वाली शुभ घटनाओं का संकेत भी देता है। जी हाँ, तुलसी अच्छा समय आने का संकेत हमें पहले ही दे देती है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी के उन संकेतों के बारे में जो मनुष्य को भविष्य में अच्छा समय आने के बारे में सूचित करती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता की जरूर लिखें। नंबर 1 है, अगर आपके घर में तुलसी के आसपास अन्य छोटे छोटे पौधे उगने लगे तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी कमाई में वृद्धि होने वाली है और आपके लिए उपाय के नए स्रोत भी बन सकते हैं। ऐसा होना आपकी आने वाली तरक्की का संकेत देता है। अगर ये छोटे छोटे पौधे तुलसी के हो तो और भी अच्छा है। इसका अर्थ है कि जल्द ही आपको धन का लाभ होने वाला है। इतना ही नहीं, ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि आपके घर जल्द माँ लक्ष्मी का वास होगा। इसके अलावा हिंदू धर्म में दुर्वा का भी बहुत महत्व होता है और भगवान गणेश को उसे अर्पित करना बहुत ही शुभ होता है। ऐसे में अगर तुलसी के पौधे के पास दुर्वा उगने लगे तो ये शुभ संकेत देता है और इसका अर्थ होता है कि आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और धन संबंधी समस्याएं दूर होने वाली है। नंबर 2 है, जब तुलसी के पौधे पर सुंदर सुंदर चिड़िया मनमोहक कोयल आकर बैठ जाए जिससे तुलसी खिली खिली नजर आए तो इसे बेहद शुभ शगुन माना जाता है। इस संकेत से ये पता चलता है कि जल्द ही आपको धन लाभ होने वाला है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो सकती है। तुलसी के पौधे पर चिड़िया का आकर बैठना धन लाभ का संकेत माना गया है। वहीं घर में रखे तुलसी के पौधे में यदि अच्छी खासी पत्तियां आ रही हैं तो ये शुभ संकेत है। इससे अच्छे समय के आने का संकेत मिलता है। ये संकेत है जीवन में धन दौलत मिलने और जीवन में खुशियों की दस्तक का। बताते चलें कि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि कई लोग जितना बार भी तुलसी का पौधा लगाएं वह सूख ही जाता है और घर में तुलसी का पौधा कभी नहीं टिकता, मुरझा ही जाता है। तो ये इशारा करता है कि आपके घर में बुरी व नकारात्मक शक्तियों का वास है। साथ ही साथ ये पितृदोष का भी संकेत देता है। पितृदोष होने पर परिवार में अक्सर विवाद होते रहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ पर दीपक जलाएं, जरूरतमंद लोगों को दान करें। नंबर 3 है, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा हरा भरा होकर उस फूल और मंजरी आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी आपसे बेहद प्रसन्न है। ऐसे में आपका नियमित रूप से माँ लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान करना चाहिए और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ की कृपा से धन की योग बनते हैं और आपके रुके काम अपने आप ही होने लगते हैं। वहीं तुलसी में मंजरी उगने पर इसे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान अर्पित करना चाहिए। इससे आपको भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। नंबर 4 है, अगर आपके घर में रामा तुलसी यानी कि हरी पट्टी वाली तुलसी रखी है और वह अपने आप श्याम तुलसी में परिवर्तित हो जाएगी यानी कि हरी पत्तियां अपने आप बैंगनी रंग की हो जाएं तो साक्षात माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब तुलसी श्याम रंग की होती है इसका अर्थ होता है कि श्री राधा रानी और श्री कृष्ण आपके साथ हैं। आपके घर में सब कुछ मंगलमय और सुखद रूप से होने वाला है। अगर घर में रखे तुलसी के पौधे की पत्तियां हरे रंग से पीली हो जाएं तो इसका अर्थ घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है
और संकट आने वाला है। घर में बीमारी पैर पसार रही है। नंबर 5 है, आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक सूखने लगता है। कई कोशिशों के बाद भी, नियमित जल देने के बावजूद भी तुलसी का पौधा सूखने लगता है। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार तुलसी का सूखना इस बात का संकेत देता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास है, साथ ही घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, जिसका संकेत तुलसी के पौधे से मिलता है। इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा सूखना इस बात का भी संकेत देता है कि जल्द ही आपके घर में धन का नाश होने वाला है। तो ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। इसके अलावा, अगर आप घर में लगाया हुआ तुलसी का पौधा सूखते सूखते फिर से हरा भरा होने लगता है, तो ये शुभ संकेत होता है। इसका ये मतलब होता है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। भगवान विष्णु प्रसन्न है। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद आप पर बना है। नंबर 6 है, अगर तुलसी के हरे भरे पत्ते अचानक टूटकर अपने आप गिरने लगे। पीले पत्तों का गिरना प्राकृतिक है, लेकिन तुलसी के हरे भरे पत्ते गिरने लगे तो इसे अशुभ माना गया है। तो आपके घर में कलेश व बंटवारे जैसी मुश्किलें आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं। अगर आपको इस तरह का संकेत मिले तो इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए शाम के समय तुलसी के पौधे के समीप घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 7 है, अगर तुलसी का पौधा पानी देने के बावजूद झड़ रहा है और इसके पत्ते गिर रहे हैं, तो इससे धन और स्वास्थ्य के बुरे लक्षण के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि घर में धन का नाश हो या फिर कोई बीमारी पड़ सकती है। घर में किसी को चोट लगने की भी आशंका हो सकती है। इसके अलावा नजर दोष लगने पर तुलसी के पौधे की पत्तियां काली पड़ने लगती है। इससे वास्तु में घर को नजर लगने से जोड़ा गया है। ऐसे घर में नेगेटिविटी हावी होती है। अगर आप बार बार तुलसी का पौधा लगाते हैं लेकिन वह फलता फूलता नहीं है, तो इसका मतलब है कि घर में सकारात्मकता की कमी है। ऐसे में तुलसी का पौधा ग्रो नहीं करता। तुलसी पूजा के दौरान रखें ये सावधानियाँ। यूं तो घर में लगे तुलसी के पौधे पर नियमित जल चढ़ाना और पूजा करना शुभ होता है, लेकिन शास्त्रों में रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित करना वर्जित माना गया है। वही इस दिन आप शाम के समय तुलसी के पास दीपक भी ना जलाएं। इसके अलावा एकादशी और सूर्य व चंद्र ग्रहण के दिन भी तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना सही नहीं माना गया। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है, इसलिए इसकी पत्तियां कभी खराब या बासी नहीं होती। यानी पुरानी तुलसी की पत्तियों को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि आप उन्हें पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक कभी भी पूजा के लिए या भोग की तुलसी का दल इस्तेमाल करने के लिए तुलसी के पत्तों को शाम के समय नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे पाप चढ़ता है। तुलसी का पौधा कभी भी घर की दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के लोगों को धन हानि हो सकती है। वहीं घर की उत्तर या ईशान दिशा में लगा हुआ तुलसी का पौधा घर में सुख समृद्धि लाता है। ये तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ तुलसी की अवश्य लिखें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।